आज की कहानी ये है कि हम लोग अपने कैंप से आ चुके हैं और सेकेंड डे बाय द वे, और हम लोग अभी जा रहे हैं पटवा की हवेली। तो हम लोग जहाँ मेन स्टे जहाँ पे किए हुए हैं, मतलब जिस पैकेज में सारा बुक हुआ है, अभी हम लोग वहाँ मेन सिटी में आ चुके हैं जैसलमेर का, और अभी जा रहे हैं पटवा की हवेली। तो ये है जैसलमेर की गलियाँ। तो देख लीजिए जितने घर्स हैं आसपास में, सारे के कलर देख लीजिए, ऑलमोस्ट मतलब येलोइश टाइप का है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। और जो ये जैसलमेर जो है लाइक हिस्ट्रिक प्लेस है, मतलब मिस्टेरियस प्लेस। ये नहीं, एक जो हम लोग जो भूतिया गांव था वो तो पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ है। मतलब सब लोग सिर्फ एज्यूम ही करते हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट ही करते हैं, रियल कहानी तो कोई नहीं जानता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने किताब लिखा नहीं था वहाँ के। तो जो है जैसा है यही है। तो ये देख लीजिए जो सामने जो जा रहा है वो हमारा ग्रुप है। तुम भी जाओ यार, आगे जाओ। मेरे लिए तो और हो गया ले। पर्पल और वाइट, और ये भी अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला नहीं, ये थोड़ा वो डल डल लग रहा है। ये डल ये सही लग रहा है। वाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें शोल्डर देख रहा आगे आओ आगे आते नहीं पर बिल्कुल फिट है। लेंथ देखो यार, अधिक में कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, इसके लिए स्पेशल सिलवाना पड़ेगा। सही है, बहुत सही, आर्टिकल लग रहा है। ओह माय गॉड, ये पहन के घूम अब, ये है यही पहन के घूम, वो वही बोल रहा है। एक पगड़ी भी खरीद लो, एक पगड़ी भी खरीद लो यार, मस्त लगोगे यार। पगड़ी पगड़ी और एक जूती, एक जूती। हम लोग पटवा की हवेली आए थे, तो वहाँ पे ये अंकल जी देख लीजिए कितना अच्छा, क्या बोलते हैं, वायोलिन बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर जो बजा रहे हैं काफी अच्छा बजा रहे हैं। ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विचिखंड पावा, वही है शायद। तो आप बताना यही है ना कोई क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए यही है, ये साक्षी है भाई तेरे। और ये देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे लोग गाने गा रहे हैं। सब जी हसो, तू मीठा लागो बोलो, तू प्यारा लागो, आयुड़ परदेसी माजे आगने, अनुजी शोभे ताजे आगने। काफी जबरदस्त है। ओके, और पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो लोग ने बताया था एक मलाई का गेवर और गोटमा का लड्डू यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो मैं भी आ गया इस दुकान में गोटमा का लड्डू खाने के लिए, और मलाई का गेवर तो अभी नहीं खा पाऊंगा, बट आप कभी आना तो मेरे साइड से फुल रिकमेंडेशन है खाने के लिए। कितना कैसा है मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ये है मलाई का गेवर, और अपने लड्डू कहने लगे
ये है अपना क्या लकड़ी, तो मैं सिर्फ ये खा के देखता हूँ। तो ये जो हम लोग बाइक लिए मतलब बुलेट लिए हम लोग रिजर्व के लिए है 800 rupees पर डे। तो अगर आप जैसलमेर में आते हो तो यू कैन प्रीफर। तो हम लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, हम लोग को भी पता नहीं है। ओके, ये रोड ट्रिप पे तो अभी अभी हमारा तेल खत्म हो चुका था, लेकिन अगर आप नौ सीखिया रहते और चलाते ना तो ट्रस्ट में आप यहाँ पे फंस जाते। तो मैंने अभी क्या किया, जो रिजर्व में बचा था तेल उसको यूज करूँगा। तो आराम से भी हम लोग रिजर्व में तो बहुत सारा लाइक कितना रहता है आई डोंट नो, आप चेक कर लेना या फिर मैं ही कभी और बता दूंगा। तो घूमते बहुत घूम लिए, अब चलते फिर डेस्टिनेशन पे। ओके, तो देखते रहिए हमारा रोड ट्रिप। तो अभी की कहानी ये है कि हम लोग जा रहे हैं कुलधरा, वही मिस्टेरियस प्लेस जिसको हम लोग हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं, और जहाँ मतलब रातों रात पूरे कितने 40 या 80 गांव का कुछ था। हाँ, तो अंकल ने सही बताया, पूरे रातों रात 84 गांव वो लोग छोड़ के चले गए थे पूरे गांव वासी वहाँ से, और उन्होंने श्राप दिया था कि जो ये गांव कभी नहीं बसेगा। और लिटरली बहुत लोग बसाने को चाहा उसके बाद गांव, लेकिन नहीं बसा। तो अभी हम लोग वही मिस्टेरियस प्लेस पे जा रहे हैं, और वो यहाँ से जैसलमेर मेन सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग गाड़ी रिजर्व किए हैं वहाँ जाने के लिए। ओके अंकल, भाड़ा कितना रुपया है वहाँ तक जाने के लिए, जाने आने के लिए? 1200 rupees जाने आने जी। अरे एक साथ रहना भी। अंकल कोई नहीं रहता क्या? कोई भी नहीं रहता है ऐसे पर खाली है जो रहता है मतलब क्या होता है? शाम को होते निकल जाते हैं, 6 बजे के बाद सब निकल जाते हैं। आप खुद पे विश्वास करते हैं? आगे बंदे तो करते हैं, बाहर रुक जाओगे क्या? बाहर रुक जाऊंगा तो आज टैक्स भी करके जाएंगे। ये गाँव है तो अभी लग रहा है अंकल, मतलब ना करोगे तो फिर यहीं रह जाओगे। हम एक कुलधरा विलेज में है राइट नाउ, एंड आई थिंक ये बहुत ही पुराने टाइम का एक विलेज है जो कि बेसिकली राजस्थान में जैसलमेर में सिचुएटेड है। एंड वी आर हियर यहाँ पे देखने के लिए कि ये क्या विलेज है और इसके साथ क्या सिनेरियो हुआ था, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था और हम इस विलेज में क्यों आए हैं। थैंक्स, बी इन टच।
मैं ही भूत हूँ एक्चुअली। तो देख लीजिए भूत कैसे दिखते हैं, बहुत स्वीट दिखते हैं ना। तो करते हैं वो लोग, तो देख लीजिए वो लोग मंदिर के पास क्यों है पता है, इसके पीछे रीजन क्या है? मंदिर के पास इसलिए है ताकि भूत तो मंदिर में घुस नहीं सकता है, यू नो, इसलिए वहाँ पे रहे। इसके पीछे लॉजिक ये है। और जो भूतों की बात होती है, मुझे तो लग रहा है एक ये र्यूमर है, ऐसे फैलाया गया है टूरिज्म के लिए। पर बता दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं टूरिज्म को डाउन कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मेरा काम है मोटिवेट करना इस चीज़ के लिए, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्योंकि अंकल जो अंकल अंदर में पुलिस रहते हैं, मैं उनसे पूछताछ किया, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने कभी नहीं देखा और वो वहीं पर रहते हैं, लाइक उनकी पोस्टिंग यहीं पर है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपका जब पोस्टिंग यहाँ पे हुआ था तो आपको डर नहीं लगा? तो बोल रहे थे हाँ पहले बार तो डर लगा था कि कहाँ पोस्टिंग हो गया मेरा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं अब डर नहीं लगता है, कभी उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं। तो यही है इसकी कहानी। हाँ, इन शॉर्ट में इसकी कहानी आपको बता देता हूँ। आज से 200 साल पहले एक ब्राह्मण का फैमिली था जो यहाँ का मुखिया था, उसकी बेटी थी जो कि काफ़ी सुंदर थी, और जो यहाँ के राजा था, राजा का जो मंत्री या फिर कोई जो सिपाही था, उसने ऑफर दिया था शादी करने के लिए। तो मतलब मुखिया ने मना कर दिया था क्योंकि ये लोग ब्राह्मण थे और वो कुछ और ही जात का था और मांस मछली खाते थे वो लोग, ओके, तो मना कर दिया। तो उस सिपाही या मंत्री ने बोला कि बहुत हैरेसमेंट देगा वो लोग को, मतलब पूरे गांव को। तो कुछ दिन तक दिया भी, और ऐसे होते होते सारे गांव ने एक दिन प्लान किया और रातों रात वो लोग ये जगह छोड़ के चले गए और श्राप दिया कि यहाँ पे जो भी आएगा वो बसेगा नहीं या फिर ये गांव कभी बसेगा नहीं। तो यही है इन शॉर्ट में इसका स्टोरी। गड़ीसर लेक में शाम का सीन कुछ ऐसा है, देख लीजिए कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं तो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इतनी क्लियर नहीं होगी अभी, ओके। तो जो है जैसा है यही है। तो फाइनली आज हो गया 8 दिसंबर 2018 और आज है हमारा लास्ट डे। लेकिन अभी हम लोग हैं जयपुर में क्योंकि हमारा ट्रिप जो था वो 3 दिन का होने वाला था, 3 डे 2 नाइट, लेकिन हम लोग वहाँ पे 2 डे ही रुके, सिर्फ 2 दिन ही रुक पाए। और वैसे हम लोग रात को 1 बजे हमारा ट्रेन था वहाँ जैसलमेर से जयपुर के लिए, तो अभी हम लोग जयपुर पहुँच चुके हैं, तो फाइनली हम लोग सिर्फ 2 दिन घूम पाए। तो फाइनली अभी की स्टोरी ये है कि हम लोग अपने जयपुर में पहुँच चुके हैं, गांधीनगर स्टेशन और एक जयपुर स्टेशन, 2 स्टेशन है यहाँ पे। तो जो गांधीनगर स्टेशन है वो हमारे हॉस्टल से नज़दीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ रुके, ओके। तो फाइनली ये 2 दिन और 1 रात का ट्रिप फिनिश हुआ हमारा जैसलमेर का, जयपुर से। तो फाइनली हम लोग का ट्रिप ख़त्म हुआ, यहीं से शुरू हुआ था 2 दिन पहले से, सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था, यही बेकार लगा, बाकी तो ठीक ठाक ही लगा और मज़ा आ गया। आज है 8 दिसंबर 2018। Okay, हम लोग हैं श्रीदेव फास्ट फूड सेंटर और अंकल कुछ बोलना चाहते हैं हमसे। जगह के अंदर में
बैठने की सुविधा अच्छी है, लेकिन जो चेस्ट हमारे पास में है वो कहीं जगह में टेस्ट नहीं है। उनके पास में बैठने की सुविधा है, हमारे पास में फुटपाथ है, लेकिन हम स्वादिष्ट अच्छा खाना फ्रेश खाना देते हैं ताकि खाने वाले कस्टमर को भी अच्छा लगे और स्वादिष्ट लगे, और उनके आंखों के सामने हम बनाते हैं। यानी कि हम सड़े गले कम बेचते हैं लेकिन अच्छा बना के बेचते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त लोग गए श्री चंदन रेस्टोरेंट में, तो हम लोग तो वहाँ से बाहर निकल के आगे खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ में अराउंड एक आदमी का 200 रुपये से कम नहीं आएगा, और आप अगर सच बोलूँ 100 रुपये लेके आओगे ना यहाँ पे सब चीज़ टेस्ट कर लोगे और आपकी आंखों के सामने बनेगा, फ्रेश बनेगा। हम लोग अभी ये फ्राइड राइस और मंचूरियन खा रहे हैं और इससे पहले चाउमीन भी खाते। मैं रेटिंग अगर 10 में देना चाहूँ तो 7.5 दूंगा, 7.5 काफ़ी अच्छा है।